ब्यूरो चीफ शौकत अली मंगी की रिपोर्ट के मुताबिक यूनिसेफ के तावन से हिफाजत टीकों के तवसी प्रोग्राम EPI के रहनुमा खतूत पर वैक्सीनेटर्स की सलाहियतों की तामीर के लिए मेडिकल एमरजेंसी रेजिलेंस फाउंडेशन की जानिब से 15 से 27 अप्रैल 2024 तक रहने वाले तरबती सेशन की इख्तितामी तकरीब वीकेयर मकली में मुनाकिद की गई। इस मौके पर तकरीब से खताब करते हुए मेहमान खसूसी सूबाई वजीर बराए औकाफ मजहबी अमूर जकवात व अशर सैयद रियाज हुसैन शाह शराजी ने कहा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह समेत आला क़यादत सिंध भर में सेहत के शोबे में मजीद बेहतरी के लिए हर वक्त कोशा है। यही वजह है कि सिंध हुकूमत की जानिब से कायम करदा सेहत मराकज से न सिर्फ सिंध बल्कि पूरे मुल्क के लोग बेहतर तिबी सहूलियात से मुस्तफिद हो रहे हैं। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की कोशिशों को सराहते हुए कहा वैक्सीनेटर्स को अपनी जाती कोशिशों से मोटरसाइकिल फराहम करना एक ऐसा इकदाम है जिससे न सिर्फ इन्हें दूर दराज इलाकों में बच्चों को वैक्सीनेशन के लिए पहुंचने में आसानी बल्कि इनकी हौसला अफजाई भी होगी। उन्होंने कहा कि इस वक्त सेहत की सहूलियात की फराहमी के लिए DH की काबिशें और हिफाजत टीकों की तवसी प्रोग्रामों की कारकर्दगी